और मुझे बताओ आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा ना, एक पर्टिकुलर हाँ टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ओके, जो टेम्परेचर मेंटेनेंस हो ना, ऊपर नीचे दिया गया है, क्या दिया है यहाँ पे जो रूम का, हाँ यहाँ पे ओवन का, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन सेम टेम्परेचर। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब मैं बोलूंगा इंस्ट्रूमेंट को कि आप 10 डिग्री इंक्रीज करना, कितना 10 डिग्री इंक्रीज करो या 20 डिग्री इंक्रीज करो 10 मिनट गैप में। ओके, तो सिस्टम ऐसा सेट कर दूंगा, तो हर टाइम चेंज करता रहेगा। तो हर कंपाउंड का एक अलग रिटेंशन टाइम है और हर कंपाउंड का एक अलग मेल्टिंग पॉइंट है, तो अलग अलग होके बेचारे सेपरेट होंगे। समझ में आया जो बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग और ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? डिटेक्टर देखो बेटा, देखो डिटेक्टर क्या, डिटेक्टर आर वाइडली यूज फॉर द सैंपल्स, हाई सेंसिटिविटी टू इवन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, रैपिड। क्राइटेरिया क्या है डिटेक्टर का, डिटेक्टर का क्या होना चाहिए, बहुत कम से कम सैंपल को भी सेंसिटिविटी हैज टू बी दिया, रैपिड रेस्पॉन्स, लीनियरिटी रहना चाहिए। ओके, और डिटेक्टर शुड बी नॉन डिस्ट्रक्टिव टू द सैंपल, अगर डिस्ट्रॉय किया तो फॉर द प्रिपेरेटिव वर्क, एनालिटिकल में चलेगा बट फॉर द प्रिपेरेटिव इट शुड बी नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो सैंपल एनालिसिस टूड बी टू टाइप्स, वन इज डेस्ट्रक्टिव, नॉन डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव में कंपाउंड रिकवर नहीं होगा, नॉन डेस्ट्रक्टिव में रिकवर होगा। ओके, और इस डिटेक्टर शुड बी इनएक्सपेंसिव। तो चार तरह का डिटेक्टर होता है, क्या है, टीसीडी, एफआईडी, एआईडी, ईसीडी, क्या चार तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, आर्गन आयनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड टीसीडी, थर्मो और कैथरोमीटर डिटेक्टर। कितने थे, 10:30 से? लिसन, डोंट ब्लेम मी लेटर ऑन कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज। हाँ कि सर यू मे रीड बाय योरसेल्फ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग यू, बाद में हमें नहीं बोलना कि सर हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, प्लीज। हाँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू लीव यू, और आप कहाँ जाना चाहते हो, यू मे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ये डिटेक्टर आप पढ़ लेना, चार तरह का डिटेक्टर होता है, इनमें से एक डिटेक्टर है एफआईडी जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे फ्लेम यूज होता है, क्यों होता है फ्लेम, हम उसको लिक्विड टू गैस करते हैं, क्या करते हैं उसका, लिक्विड टू गैस करेंगे तो गैस के साथ मूव करेगा, गैस क्यों कर रहे हैं हम सैंपल को जलाना, जो कर हर चीज में बर्निंग कर रहे हैं हम सैंपल को, क्यों कर रहे हैं उसको गैस करने के लिए, क्यों कर रहे हैं गैस करने के लिए, वो गैस जाके मूव करके डिटेक्टर में जाता है। डिटेक्टर चार तरह का होता है, टीसीडी, ईसीडी, एफआईडी और कुछ अलग सा था, क्या था, ओके, तो उनमें से जो एफआईडी है वो खुद में आ गए, क्या है, खुद में आके वो और डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? सैंपल तो हम पहले से ही हर सैंपल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे कि फ्लेम फोटोमीटर में करते थे, ठीक है, आयनाइजेशन करने की यहाँ पे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डर है, इंटीग्रेटर है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, मैंने आओगे तो अच्छा बात है, नहीं तो तुम्हारा जीसी खत्म, फिनिश। तुम्हारा कितना बजे खत्म होगा प्लेसमेंट? चलो भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।